हेलो मेरे प्रिय किसान बंधु, यदि अगर आपने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और यदि अगर आप उसका स्टेटस देखते हैं और उसमें यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है अथवा आपको वहाँ पे लिंक नहीं दिखा रहा है, लंबित दिखा रहा है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है? आइए, मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना है। अपने वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहां से टाइप करेंगे fcs.up.nic। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे यहां पे आपके सामने FCS गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट आ जाएगी। आप इस वेबसाइट पे यहां पे देख सकते हैं कि खरीद हेतु किसान पंजीकरण, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ये नवीन पंजीकरण के लिए बहुत से विकल्प दिए गए हैं। साथ ही साथ आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, भुगतान हेतु बैंक की स्थिति भी देख सकते हैं, पंजीकरण का फाइनल प्रिंट आउट भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको यहां पे नवीन पंजीकरण पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नवीन पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, आधार से लिंक बैंक खाता जांचने हेतु यहां पे क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आपके आधार कार्ड से, उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी और यहाँ से आप अपने ओटीपी को फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेंगे, ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का नंबर होगा, आपका लिंकिंग स्टेटस दिखाएगा कि यह एक्टिव है या फिर नहीं है, बैंक लिंकिंग की डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है ये भी आपको दिखाई देगा। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये पता हो गया होगा कि किस तरह से हम अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक है या फिर नहीं लिंक है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।